सब्जी को देखकर आ रहा है ना मुंह में पानी। इस सब्जी में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके घर में ना हो। इस लॉकडाउन में हर घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बनाई ये टेस्टी सब्जी, घर के सभी भूल जाएंगे रेस्टोरेंट की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे कश्मीरी दम आलू। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आ जाए तब भी आप इसे फटाफट बना सकते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने लेना है 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून सौंफ, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 2 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून शाहजीरा। अगर शाहजीरा नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। इन सभी मसालों को गर्म कढ़ाई में डालिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर लीजिए। 1 से 1.5 मिनट तक इन्हें भून लेना है। भूनने के बाद इन्हें ग्राइंड करना है। अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो उसे भी आप अवॉइड करके ग्राइंड किया हुआ धनिया भी ले सकते हैं। ग्राइंड करते समय इसमें थोड़ा सा नमक डालिए। नमक डालने से ये सभी मसाले बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह का महीन ग्राइंड करना है। अब इसमें डाल दीजिए 3/4 कप फ्रेश दही। ध्यान रहे दही हमें फ्रेश ही लेना है। अब इसमें ही डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। मिक्स कीजिए और एक बार फिर से 10 से 15 सेकेंड के लिए ग्राइंड कर लीजिए। दही बहुत स्मूथ हो जाएगा, कुछ इस तरह का। एक बर्तन में निकाल लीजिए, ग्राइंडर में भी थोड़ा सा पानी डालिए और इस पानी को भी इसी मसाले में मिला लीजिए। अब एक प्लेट लीजिए, इसमें ले लीजिए 1 टीस्पून अदरक का पाउडर मीन्स सौंठ। अगर सौंठ नहीं है तो 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके ले सकते हैं। और अब इसमें डाल दीजिए लाल मिर्च पाउडर और हींग। ये सभी इंग्रेडिएंट मैंने कितने लिए हैं वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ है। अब इस तैयार किए हुए मसालों को साइड में रख दीजिए। 8 से 9 मीडियम साइज के आलू को छील लीजिए। छीलने के बाद फॉर्क की सहायता से इस तरह से इसमें होल कर लेने हैं। होल करने से मसाला एकदम अंदर तक चला जाता है और सब्जी कुक होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत जल्दी सब्जी कुक हो जाती है। कढ़ाई में तेल गर्म कर लीजिए, फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और अब इसमें इस तरह से आलू डाल दीजिए और लगभग 80% तक कुक कर लेना है। मीन्स जब आलू थोड़े से कच्चे रह जाएं तब इन्हें निकाल लेना है। मैं यहाँ पे आलू को तल के डाल रही हूँ, आप चाहे तो उबाल के भी डाल सकते हैं। उबालने के बाद छील लेना है और एकदम थोड़े से तेल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। आलू 80% कुक हो गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से तेल में तल के बनाने से इसका टेस्ट तो बढ़ जाता है, पर अगर आप चाहें तो हेल्दी ऑप्शन के लिए बिना तले उबले हुए आलू भी यूज कर सकते हैं। और थोड़ा आलू ठंडा होने दीजिए। जब आलू ठंडे हो जाए फिर से एक बार तेल में डालिए, फ्लेम को हाई कीजिए और तुरंत ही 1 से 1.5 मिनट में इसे निकाल लीजिए। चेक कर लीजिए, अगर अच्छे से इसमें टूथपिक जा रही है तो निकाल लेना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये हो जाता है। देखिए, सभी आलू कुक हो गए हैं, इन्हें निकाल लेना है। दो बार तलने से आलू की ऊपर की लेयर थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाती है और ऑयल भी थोड़ा कम लगता है। इन आलुओं को निकाल लेना है और एक दूसरी कढ़ाई में या फिर सेम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म कीजिए। हींग, लाल मिर्च पाउडर और सौंठ वाले मसाले को इसमें डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। किसी भी सब्जी में अगर आपको कलर चाहिए तो तेल में सबसे पहले लाल मिर्च पाउडर डालें, इससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसे थोड़ा सा भून लेना है। जब इसमें का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए तब इसमें डाल दीजिए दही वाला मसाला जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। इस मसाले को डालते समय फ्लेम को लो कर देना है और लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसमें हमने डाला है दही। दही डालने के कारण अगर आप इसे हाई फ्लेम पे डालेंगे तो दही फट जाएगा और सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें।
जैसे ही इसमें एक उबाल आने लगे इसी समय इसमें डाल देना है तले हुए आलू। आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई में जब हमने डबल से तला था वो प्रोसेस भी कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ, पर मैंने पहले ही दिखा दिया था कि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देख सकते हैं सब्जी में कितना बढ़िया कलर आ रहा है, जैसे जैसे ये और उबलेगा इसका कलर और अच्छा हो जाएगा। अब इसे ढक देना है, 1 से 2 मिनट और कुक कर लेना है। इसे ढक के 2 मिनट तक कुक होने दीजिए, पर बोनस टिप के लिए बने रहिए। कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं, फ्लेम को बंद कर देना है और लास्ट में इसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब इसे सर्व कीजिए गर्मा गर्म, रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर पूरी के साथ। आप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है, क्या आपके मुंह में भी पानी आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस सब्जी को उबले हुए आलू के साथ बना रहे हैं, उबले हुए आलू को भी सेम तरीके से फोक की सहायता से होल कर लेना है और एकदम थोड़े से तेल में थोड़ा सा रेडिश होने तक फ्राई कर लेना है। इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है, ऊपर की जो लेयर है थोड़ी सी क्रंची और क्रिस्पी हो जाती है, जिसकी वजह से ये सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे पता है आप सभी को मेरी रेसिपीज़ बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्यों आप लाइक, कमेंट और शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप इन सभी के लिए कंजूसी नहीं करेंगे। इसी सब्जी को आप लहसुन और प्याज के साथ भी बना सकते हैं, पर यकीन कीजिए ये बिना लहसुन प्याज के भी एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देती है। आप इसे ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।